आदित्य एल1 मिशन बेहद खास है, दुनिया के लिए बहुत खास है, लेकिन भारत के लिए बेहद खास है। इस मिशन से जहां सूरज के कई रहस्य खुलेंगे, वहीं अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन कैसे, हम मिशन से जुड़े कुछ हाइलाइट्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे हम इन सफलता को हासिल करेंगे। एल1 मिशन क्या है, क्या करेगा और कहाँ से और कब तक ये क्या कुछ करने वाला है, वो खास क्यों है, आइए आपको बताएगा। इतिहास रचेगा कैसे, सूर्य का अध्ययन करेगा, L1 पॉइंट पर स्टडी करेगा, 5 साल 2 महीने तक ये स्टडी करेगा। भारत का पहला सूर्य मिशन है ये। L1 पॉइंट पहुंचने वाला तीसरा देश होगा भारत। अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला एक तरह से काम करेगी, यानी वहां से हम तमाम जानकारियां जुटाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी आपको जानकारी ये बता दें कि चांद फतह के बाद भारत सूरज भी जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सिर्फ चांद पर ही नहीं, हम सूरज पर भी विजय हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये महज शुरुआत भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिशन है, लगातार बहुत से मिशन हैं जिन पर काम हो रहा है। इन खास ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि अभी और कौन कौन से अहम पड़ाव हैं जो भारत का स्पेस मिशन है उन्हें हासिल करना चाहता है, उस तरफ बढ़ रहा है या उसके लिए काम कर रहा है। आप हरे रंग के टिक से जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जगहें हैं जहां भारत अपने अंतरिक्ष मिशन भेज चुका है सफलतापूर्वक। साल 2008 में चांद पर भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था। इसके बाद साल 2013 में भारत ने मंगल ग्रह पर मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा। 23 अगस्त 2023 जिसको बहुत दिन नहीं बीते हैं, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। और अब भारत का आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार है, लॉन्च हो चुका है, आगे बढ़ रहा है अपने मिशन पर। मगर आने वाले सालों में इसरो और क्या कुछ करने वाला है, तेजी के साथ रफ्तार के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। भारत मिशन गगनयान भेजने वाला है। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव भेजेगा। ये मिशन 2024 के अंत तक लॉन्च हो सकता है, यानी एक भारतीय पहुंचेगा आगे गगनयान में। भारत शुक्रयान 1 पर भी काम कर रहा है। इस मिशन के जरिए शुक्र ग्रह पर इसरो अपना ऑर्बिटर भेजेगा। शुक्र की सतह पर वातावरण की जाँच की जाएगी। इसके बाद अगली जानकारी आपको बताते हैं, भारत का आदित्य L1 कितनी दूर जाएगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाना है इसे। सवाल यह है कि लैग्रेंजियन क्या है, इसका सूर्य से क्या कनेक्शन है। देखिए किस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, यानी ये अलग अलग पॉइंट है। लैग्रेंजियन पॉइंट पर सैटेलाइट स्थिर रहता है, यानी L1, L2, L3, L4, L5 ये पॉइंट्स हैं, लेकिन हम L1 पर पहुंच रहे हैं। सैटेलाइट का एक जगह रुककर अध्ययन संभव है, यानी जिस जगह पर वो रुकेगा वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहुंचता है तो वो स्थिर रहता है। रुकने के लिए ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर वो पहुंच जाएगा तो उसे ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी। L1 पॉइंट सूर्य का पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है और यहीं पर हम चाहते हैं कि आदित्य को हम स्थापित करें ताकि वहाँ 5 साल तक वो रह पाए। सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट क्या क्या हैं, देखिए सवाल यह है कि इसरो ने सूर्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना है। दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं, वो वजह क्या है ये आपको बताते हैं। पहली वजह यह है कि 24/7 नजर रख सकेगा, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये L1 पॉइंट पर अगर रहेगा तो ग्रहण का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। हर वक्त सूरज पर नजर, रियल टाइम डेटा, दोनों चीजें मिल सकती हैं। इसके अलावा सौर तूफानों का सेंटर, ये भी एक बड़ी चुनौती क्योंकि है, सूर्य से पृथ्वी आते तूफान, हर तूफान L1 से गुजरता है, इसलिए उसे हम करीब से जान सकेंगे और स्टडी कर सकेंगे। बिल्कुल, तो देखिए सुमेरा आपने बड़ी ढेर सारी जानकारियां दी और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके मन की कई जिज्ञासाएं भी आज शांत हुई हैं। आप में से कौन क्या कहना चाहेगा इस मिशन की सफलता को लेकर, इस सफलतापूर्ण लॉन्चिंग को लेकर? जी, ये मिशन इंडिया के लिए, इंडिया के सोलर में जो हमारे मिशंस हैं उनमें बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत बड़ा स्टेप है जी, इससे जो है इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगी और वर्ल्ड लेवल पे इसरो का जो नाम होगा वो काफी ऊपर जाएगा। बिल्कुल, विश्व गुरु भारत बनेगा, इसका रास्ता जो है वो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं जी। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसकी अभी सफलता हुई है, इसका प्रक्षेपण हुआ है और भारत ब्रह्मांड विजय की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मांड विजय की ओर आगे बढ़ रहा है भारत। आप में से कौन 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 इधर 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 जी जल्दी से। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे आज जो अपोनेंट में जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं आज वो हमारे मिट्टी बराबर भी नहीं है। हमें गर्व फील होता है कि हमारा देश इतना ऊपर है और हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। जय भारत, जय हिंद।
चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं और इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कामयाबी की नई दास्तान लिख दी है। आगे भी ये मिशन पूरी तरह से सफल हो, कामयाब हो, इन दुआओं के साथ इस शो को हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में।